नए प्रश्न नए विचार। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते घूमते हुए और उपदेश दिया करते थे। जैसे कि अभी कोई भिक्खु आदमी है जो बौद्ध भिक्खु, तो वो जो उपदेश कर रहा है, जो कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो एक जगह पे बैठ के या एक जगह पे रह के वो अपना उपदेश नहीं दे सकता, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना जरूरी है। तो इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश ऐसे दिया करते करते जाते थे। अभी ये लोग जब भी जाते थे, तब कभी धूप होती थी, कभी गर्मी का मौसम रहता था, कभी बारिश का मौसम रहता था। तो जब बारिश का मौसम यानी वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना उनका बहुत ही कठिन हो जाता था, क्योंकि एक स्थान पर ही उसके लिए वो निवास करते थे। अभी जैसे वर्षा ऋतु चालू है, तो वो कैसे करते थे, एक जगह पे रह के अपना उपदेश सभी जगह फैलाते थे, क्योंकि बरसात में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत कठिन हो जाता था। और ऐसे समय में वे अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए जो अस्थाई निवास रहते हैं वहां पे, या तो फिर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे पहाड़ पहाड़ रहते हैं, यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो पहाड़ के अंदर जो गुफाएं रहती है उसके अंदर वो जाके रहते थे। आगे देखते हैं बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग ये चित्र। जैसे कि बुद्ध यहाँ पे बैठे हैं झाड़ के नीचे और सभी लोग आगे बैठे हैं, वहां पे राजा है, उनकी सारी प्रजा है, रानी है, प्रधान है, सेनापति है, वो सभी लोग यहाँ पे बैठ के उनका उपदेश शांत रीति से सुन रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से उपदेश चालू है, तो गांव के लोग आए हैं, कुछ स्त्रियां हैं, वो लोग उनका भाषण यानी उपदेश सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ वो बता रहे हैं। और चौथे चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है कि गौतम मतलब जो बुद्ध जी थे, वो खुद एक घर में गए हैं, वहां पे कुछ यज्ञ वगैरह चल रहा है और वो वहां पे ये सब कुछ देख रहे हैं और कुछ बातें अच्छी उनको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं। आगे जाते हैं बच्चों, अभी हम लोग देख रहे हैं कि महावीर का ये सब कुछ चित्र यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि वस्त्रों का त्याग करके एक मानवीय शरीर जैसे रहता है, वैसे वो रहते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बुद्ध विहार देख रहे हैं कि किस तरह से बुद्ध विहारों का स्थापना किया गया है, कि जहां जहां पे बुद्ध जी गए हैं, वहां वहां पे जहां पे उन्होंने अपना उपदेश दिया है, वहां पे अच्छी बातें बताए हैं, कुछ सार बताया है, विचारों का सार बताया है, कुछ चीजों के बारे में आध्यात्मिक रूप से कुछ उन्होंने बताया है। तो हर जगह पे वो जाते थे, वहां पे अभी जगह जगह पे बुद्ध विहार नाम का एक जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे जो और भी बौद्ध भिक्खु है वो भी उनकी अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग बैठ के उनका प्रवचन यानी उपदेश अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो उनके लिए कोई तो जगह चाहिए, ऐसे झाड़ के नीचे तो पहले बैठते थे, तो अभी तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जगह बना सकते हैं। तो उन्होंने ये अच्छे जगह बनाई है, ये एक अच्छी जगह बनाई है और जहां का नाम दिया गया है बुद्ध विहार। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत आपको विहार के बारे में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में पहुंच जाते हैं। चलिए,